मम्मी आपको पता भी है कि हमारे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं? आई थिंक लेस देन 200 है। हे गूगल, टोटल कंट्रीज कितनी है वर्ल्ड में? 193 राज्य जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। देखा हमें कितनी सही थी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। बेसिकली मैं सोची थी कि हम लोग कोई कंट्री से रिलेटेड चैलेंज करते हैं। एक काम करते हैं, डिफरेंट कंट्री फूड चैलेंज करते हैं। हाँ, इनको कुछ भी हो बस फूड से रिलेटेड ही करना है। खाना 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 ये। अब हम सब करते हैं मिलके। मुझे भूख लग रही है। मैं नहीं, मैं तो बाबा के साथ होगी। तो हम दोनों मैं अपनी लड़ाकू बहन के साथ नहीं करूंगी। मैं अपनी साली के साथ हो जाऊंगा। मैं इनके मुंह से इतनी गिरी हुई बात सुनकर भी खामोश हूँ। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो टीम बनाने से पहले आप जल्दी से ये मेरी रियल फैमिली के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबको शेयर कर दो और कमेंट्स में जल्दी जल्दी टेल करो कि सबका फेवरेट डिश क्या है। तो चलो आप विक्की जाते हो, आप बताओ। ओके, तो अनंत्या ने पहना है पाइनएप्पल और मोंटी ने भी पहना है पाइनएप्पल, तो अनंत्या और मोंटी एक टीम में। ऐसा करते हैं, आप मेरी टीम में आ जाओ। खुद भी डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी टीम से सही, मासी को बहुत बड़ी कूड़ी है, मेरा तो है। ये चलो, तो देखने के लिए कि पहले कौन टेस्ट करेगा दूसरी टीम ने जो ऑर्डर किया है, हम एक करेंगे गेस द कंट्री बाय देयर फ्लैग चैलेंज। तो ये है झंडा, अब पहचानो ये किसका है। चाइना, फ्रेंच। मैं बता सकती हूँ, ये कीनिया का है। रोमेनिया। ये पोर्चुगल का है। ओके, तो अब क्लू की बारी आती है। ये क्लू जो है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड ही है। यूक्रेन, बांग्लादेश, ब्राजील, स्पेन, मेक्सिको। भूख से रिलेटेड है। भूसे, भूकिस्तान, भुगतान, भुगतान, भूतान, हंगरी, हंगरी, तो हम लोगों का खाना आ गया है और अब हम लोग स्विच करके गेस करेंगे कि कौन सा खाना और कौन सी कंट्री का है। पता नहीं क्या ऑर्डर किया है इन्होंने। ये तो मेरी फेवरेट डिश है। हमने ऑर्डर किया है मोगेम्बो। खुश हो? और मैं अपना खोलती हूँ एंड आई कैन गेस दिस फूड। दिस इज सुशी। सुशी फ्रॉम जापान। दिव्या फंस गई क्योंकि दिव्या को सुशी बहुत पसंद है। जब जीजा ने बोला कि ये उनकी फेवरेट है तो ये समझ ही आ गया था कुछ। ये शाही टुकड़ा है फ्रॉम इंडिया। खाते हैं और इंडिया में काफी फेमस होता है ये लखनऊ एंड प्लेसेस। सो आई थिंक इट्स इंडिया में तो बर्गर भी फेमस है, इंडिया में तो पिज्जा भी फेमस है। हमें तीन ऑप्शन दो ना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। कतर, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपको बेसिकली वो सादी थोड़ी सी उसमें लगानी होती है और फिर थोड़ा सा डिप करना होता है। इतनी सारी नहीं, इतनी सारी नहीं, मर जाओगी। वसाबी खा लिया इन्होंने जिसमें मिर्ची नहीं होती है, लेकिन वो लहसुन का कोई टेंच आ रहा है। हाँ, वो बहुत अजीब सा हिट करता है, तो इतना सारा नहीं खाते उसे। नेवर कुक विद निशा। ओके, मैंने इंडियन खाना तो खूब बनाया है, लेकिन ये जापानीज वैपनीज मुझे समझ नहीं आता। जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारी चॉपस्टिक्स आ गई है, हमने उसको आधा कर दिया है। बहुत ज्यादा ये है पिकल्ड रेडिश और ये टेस्ट कर रही है बिल्कुल गीले चावलों की तरह। ये गीले चावल ही होते हैं। हाँ, और बाय द वे ये जापान की तो है। आपका आंसर सही है, आपको पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये कोरिया की थी। ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। और ये शाही टुकड़ा है जो कि हमारे नेबर पड़ोसी देश का है, पाकिस्तान। और क्या क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? मासी का मुंह पर ही खुलता है तो सब स्पिल हो जाता है। मासी, मैं एक मिनट में कुछ मत कहना, कुछ मत। और कौन सी कंट्री का फूड किया है फेवरेट? मालदीव। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अनंत्या, आप यहाँ बैठी हो, आपको चैलेंज नहीं करना है?
मम्मी आपके टीम का ऑर्डर आने में इतना टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए एक स्पेशल चैलेंज ऑर्गेनाइज कर दूं। कैसा चैलेंज? तो आप सबको मुझे बताना है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और उसको बताने के लिए आपको डाउनलोड करना है टाओ ऐप को और मेरे स्पेशल चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। और एक नए तीन तीन स्पेशल चैलेंजेस ऑर्गेनाइज करवाए हैं ताकि आप लोग कमा पाए ढेर सारे टाओ कॉइंस। अब ये टाओ कॉइंस क्या है? हम जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उससे हमें मिलते हैं बहुत सारे टाओ कॉइंस और इन टाओ कॉइंस से स्टूडेंट्स अपनी फेवरेट गुडीज, गैजेट्स, स्टेशनरी, पेंटिंग सेट्स, माइनस आइलैंड गिफ्ट हैम्पर और मेरी स्पेशल टी शर्ट भी ले सकते हैं। इसमें कोई कैश और स्कॉलरशिप भी मिलता है? ये जो सारे खाने के ऑर्डर आए ना वो टाओ कैश स्कॉलरशिप से ही तो किया है। अब मेरी खर्चों की टेंशन भी मत लेना क्योंकि अब मैं सारी पॉकेट मनी अब टाओ ऐप पे पार्टिसिपेट करके कमा सकती हूँ। बढ़िया है, लगता मेरा ऑर्डर आ गया। तो डू नॉट वेट और आप लोग भी डाउनलोड करो टाओ ऐप। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है स्पेशल लिंक और मैं गिफ्ट करूंगी पहले 1000 फ्रेंड्स को फ्री 100 टाओ कॉइंस। ये तो वही हो गया वो जो अभी कोरोना में सब मीम नहीं बना रहे थे कि जूम मीटिंग में ऐसे ऐसे वो और नीचे से हम लोग ऐसे हो रखे हैं। मैं ऊपर और नीचे से तैयार हूँ। अब ये बातें क्यों कर रहे हैं, अब खाने के लिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी डिश है, ये लो ये मेरी डिश है। अरे तो ये हम आया है हमारा ब्रेड और ये बन है और मुझे पता है ये क्या है बट मुझे कंट्री का डाउट है। आई थिंक ये बुरिटो बाउल है नहीं या ये पीटा ब्रेड? पीटा ब्रेड ऐसे नहीं होती है। भारी मिस्टेक हो गया सर, ये एक रेस्टोरेंट से किया है जो मुझे पता है। ये कलिनेट से किया है। अरे यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है, एक बार टेस्ट करके पता चलेगा। टाको एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री? मेक्सिको। दे आर राइट, इन दोनों ने गेस कर लिया है। अब मुझे ये बताओ ये कहाँ का है? पहले नाम तो सही गेस करो आप। हम आपको कंट्री नेम नहीं बता रहे हैं, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। वहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ होती है, जिराफ, अर्जेंटीना होता है, केन्या, वादी दी, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। हाँ जी, यस। मुझे नहीं तो मैं नेक्स्ट राउंड नहीं तो हमारा डिसाइड ये हुआ है कि तो चलो ठीक है आपको एक पॉइंट मिल रहा है, हमें एक पॉइंट मिल रहा है। बट नेक्स्ट राउंड में कोई भी क्लू नहीं दिया जाएगा। छोड़ी बच्ची हो क्या? टीम जो कि किसी ने गलती से रख दिया जिसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। कैमरा दो एक मिनट, हमारी टीम अभी के लिए ये है, ये और ये। गाइस आप सब लोगों को टाकोस के बारे में पता ही होगा लेकिन आप इस बनी चाओ के बारे में बताओ। तो बनी चाओ की हिस्ट्री ये है कि अफ्रीका में अफ्रीकन वहाँ रहते थे, वो कई रेस्टोरेंट्स में उनको जाना अलाउड नहीं था तो इसकी वजह से ये डिश क्रिएट हो गई कि प्लेट वापस ना करनी पड़े लोगों को और वो इस ब्रेड के अंदर ही अपना जो ये ग्रेवी है, चिकन ग्रेवी है, उसको रख के आराम से खा ले। आई एम प्रीटी प्राउड कि मैंने पापा को बता रहा है कैसे आया है। तो मेरे पति को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ओके तो हमारी नेक्स्ट डिश आ गई है, बस स्विच कर लो क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, लंच टाइम हो गया है। लेट्स ओपन 1 2 3 ओके मैं टेस्ट मैक्रून्स फ्रॉम फ्रांस। हमने मंगाया ये। इसका कंट्री बताओ, मैं बताओ, हमने तो बता दिया फ्रांस का, आप बताओ।
चीटिंग 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 करता है तू। चीटिंग कर रहे हो, फोन में चेक कर रहे हो। बोल लो यार। तिरामिसु इज फ्रॉम एशियन कंट्री एंड वी आर राइट। कोरिया कोरिया विक्की कितने चांस मिलने चाहिए इनको? तीन। यूरोपियन है अमेरिकन है इतना तो ये क्या बात हुई? हम हार गए हैं लेकिन वी वुड लाइक टू गेस। पापा हम यहाँ पे गए हुए हैं इटली। हाँ जी, थैंक यू। पता ना हमें। और एक हमारे सब आ गए हैं, हमारे सभी छयों के छयों जल्दी आ गए, इनका अभी तक नहीं आ रहे हैं। पापा फोन पे हेलो आ गया, हेलो आ गया, 4 बजे आएगा। तो चलो अब नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम लगा तो हमने अपनी लोकेशन भी चेंज कर ली है। आई थिंक मेरे को पता है क्या है। फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स बाय द वे मेरी फेवरेट है। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि फिश एंड चिप्स है या नहीं। किनोवा साइलेंट है ये? नहीं, इजरायली खाना है ना ये। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। देखो इनको खुद ही नहीं पता। नहीं पता मुझे। दिस इज कॉल्ड अ कुसकुस सैलेड एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। जितनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज नहीं, एक ये तो फिर ये फ्रॉड है। इनके दो मार्क काटे जाए। ये जो लड़की है ना इसको कोई मतलब नहीं कौन हार रहा कौन जीत रहा, इसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ फिश से। तो मैं एक पॉइंट काटूंगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पहली चीज हमने बोला था कि कंट्री साफ बताना। तो मेरा पॉइंट क्या है? 3 all। मैं ये कह रहा हूँ टोटल 3 पॉइंट हो गए क्योंकि इस वाले में इनको खुद को नहीं पता था ये किस कंट्री का है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। गैसेस क्यों नहीं किए हमने? आपने क्या बोला? मैंने इजराइल बोला। इजराइल का नहीं है ये। आपको तो आपको खुद को पता नहीं है क्या का है ये। तो हम आपने खाना भी नहीं किया था। आप बोल रहे हो कि आप आधे मार्क्स ले रहे हो? हाँ हाँ, ले लो जो आधा पॉइंट लेना है मेरे को, मेरा बस ये मिल गया फिश एंड चिप्स। यार हम तुमको इतना रिच खाना खिला रहे हो, तुम आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। और ये हमें किनोवा। भाई इधर आओ जरा, देखो जरा इसे। तो हमारे हिंदुस्तान में जो दलिया होता है ना, सूखा दलिया, सूखे दलिये में सब्जी डाल दी है हमको, थोड़े से ऑलिव अमीरों की सब्जी डाल दी। और ये वाला खुशखुश, इस खुशखुश ने तो इनको दुखी कर दिया और हमें खुशखुश कर दिया है। और हम लोग अपनी टीम के साथ ये खाना खाएंगे क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बताएंगे ना ये लोग तो, और हिंट देनी नहीं थी ना। अच्छा हम मार रहे हैं, हमें मेरे को नहीं पता ये क्या है। मैं बता रहा हूँ, इसका नाम तो नहीं पता बट ये चेक रिपब्लिक यूरोप से तो है। दिस इज चुरोस फ्रॉम स्पेन। तो वी गॉट हाफ अ पॉइंट एंड दे गॉट नो पॉइंट। तो हमारे हैं 3.5 पॉइंट और इनके सिर्फ 3। पर ये क्या है? ये कोई डंडी है, डंडी को पहचानो, ये ऐसा कुछ होता है जैसे डोनट्स नहीं होते ना, ग्लेज्ड डोनट जिसमें लाइक ये वैसे ही डोनट। तो इसी में आप डोनट्स बताइएगा कि डोनट फूड कौन सी कंट्री की है, नीचे कमेंट्स करो। कुछ अच्छा सा मंगाने के लिए बोलो इन लोगों से, क्या ये चुरोस पूरोस दलिया हमारा खाना, देखो शाही टुकड़ा, मैक्रूस, फिश एंड फ्राइज, बर्गर। रुक जा रुक जा। और इनका इनको ना नाम पता है ना कुछ, चुरोस पूरोस बुरिटो। चुरोस काफी फेमस है। अच्छा हमको सिखा रिया है कुसकुस पुसपुस। और ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चुरोस के 3 पीस है, यहाँ बैठे 4 लोग हम जो बजट फ्रेंडली होना चाह रहे थे। शाबाश, पैसे हमारी जाने बजट फ्रेंडली। तो नेक्स्ट राउंड में हमारी चीज तो आ गई है जो कि है बड़ी ही यम्मी टेस्टी। और इनका खाना हमें दिख ही रहा है अजीब सा, ये बन जो पहले राउंड में आ गया था हमारे पास। और अब हम खोल रहे हैं और ये सूप और हमारी है चाय। तो मुझे तो ना इस रेसिपी के बारे में कुछ पता है ना, इसे खाते कैसे हैं उसके बारे में पता है। आप नूडल्स डाल दो इसमें, इसमें आप लेमन डाल सकते हो और ये इसमें फ्राइड अनियंस और ये पीनट्स डाल सकते हो। मलेशिया
कोरिया, चाइना, जापान, क्या है फिर बताओ? ये म्यांमार या बर्मा का है, बर्मीज। ये हर बार चार पांच कंट्री में नहीं, म्यांमार वाज नोन एज बर्मा, बर्मीज खाउसुई। और क्या है हमारे इंडिया से? जनता माफ नहीं करेगी। हमें पता था कि तुम इंडिया ही गेस करोगे और इंडिया ही बोलोगे, बट चाय वाज ओरिजिनली ओरिजिनेटेड इन चाइना और ब्रिटिशर्स चाय को इंडिया लेके आए थे। सही पकड़े हैं। हम लोग फिर भी जीते क्योंकि आपको एक पॉइंट भी नहीं मिला और हमें आधा पॉइंट मिला। सूप के साथ कैसे खा रहे हो आप? मुझे सिखाना पड़ेगा। ऐसा खाना लाना ही क्यों जिसको खाने के लिए किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़े। जो जीता वो बंदर, वो सिकंदर। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सारे बंदर। तो हम लोग चैलेंज जीत गए, आई थिंक लाइक जीत चुके। हाँ, हमारे 4.5 मार्क्स है, 4 मार्क्स है और उनका सिर्फ 3। तो हम आपको ऐसी फैमिली पूरी आके हंसाती रहेगी और फैमिली चैलेंजेस हमें जरूर कमेंट में सजेस्ट करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।